दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। दोस्तों आजकल हमारे देश में ज्यादातर लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों जो जालसाज लोग हैं वो भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर कर करके लोगों को चूना लगा रहे हैं, यानी उनके पैसे की ठगी कर रहे हैं। तो दोस्तों एक ऐसे ही मामले के बारे में बताऊंगा और दोस्तों आपको बताऊंगा कि क्या आपको व्हाट्सएप में नहीं करना चाहिए। दोस्तों एक ऐसा ठगी का मामला महाराष्ट्र में पाया गया है जिसमें कि एक सैन्य अधिकारी को व्हाट्सएप के जरिए दोस्तों कॉल किया गया और फिर उसके द्वारा उसके 40 से 50 हज़ार रुपए उसके दोस्तों उड़ा लिए गए। दोस्तों हुआ यूं कि उस सैन्य अधिकारी के व्हाट्सएप पे जो कॉल का फीचर होता है वो कॉल आती है और वो कॉल पूरी नहीं आती, मिस कॉल जैसी कॉल आती है दोस्तों, और उसके बाद वो कट जाता है। तो उसके बाद होता ये है दोस्तों कि सैन्य अधिकारी पलट करके दोबारा उस नंबर पर कॉल करते हैं, तो दोस्तों वहां से भी कोई कॉल नहीं आती है। थोड़ी देर बाद ही उस पर एक व्हाट्सएप का मैसेज आता है और दोस्तों जो मैसेज आता है वो नया नंबर होता है, नए नंबर से मैसेज आता है, उसको उनके कांटेक्ट में वो नंबर शामिल नहीं होता है पहले से। तो दोस्तों उस मैसेज में जो लिखा होता है वो ये कहता है कि ये मेरा नया नंबर है और मैं इस समय अमेरिका में हूँ अपनी पत्नी या किसी रिश्तेदार का इलाज कराने के लिए और मुझे 50 हज़ार रुपए की ज़रूरत है और चूंकि मैं अमेरिका में हूँ इसलिए मैं पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी मदद चाहिए। और नीचे क्या लिखता है, नीचे इन जो जिनको व्हाट्सअप करता है उनके किसी खास दोस्त का नाम लिखा जाता है। तो दोस्तों ये समझते हैं कि हाँ भाई ये मैसेज सही है और ये मेरे दोस्त को बहुत ज्यादा जरूरत है, इस समय मेडिकल इमरजेंसी में है, इसलिए इसको तुरंत ही पैसे ट्रांसफर कर देने चाहिए। तो दोस्तों ये तुरंत ही उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, जो अकाउंट वहां से बताया जाता है उस व्हाट्सएप मैसेज में कि इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, बहुत इमरजेंसी है जिससे कि मेरी पत्नी या बच्चे का इलाज तुरंत हो पाए, नहीं तो मैं इलाज नहीं करा पाऊंगा। तो ये सज्जन जो सैन्य अधिकारी होते हैं ये भावुक हो जाते हैं और उनको पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। दोस्तों थोड़ी देर बाद फिर उनको एक मैसेज आता है कि 20 हज़ार रुपये और ट्रांसफर कर दीजिए। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इनको शक होता है, फिर ये उनके जो दोस्त जो थे उनके नंबर पे कॉल करते हैं, क्योंकि इनके दोस्त का एक दूसरा जो नंबर होता है वो इनके मोबाइल में सेव रहता है, उस पे कॉल करते हैं। तो दोस्तों पता चलता है कि वो इंडिया में ही हैं, कोई वो अमेरिका नहीं गए हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है, सब बात झूठ है। दोस्तों ये उस तब सतर्क हो जाते हैं। तो दोस्तों आपके लिए हमारी एडवाइस ये है, किसी भी मिस कॉल का दोस्तों जिसका कि आपको पहले से नहीं पता है कि कौन है उसका जवाब मत दें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी जो आदमी को पर्सन को जिसको कि आप डायरेक्टली बात करके और पहचान करके कंफर्म नहीं हो जाते हैं कि ये वास्तव में हमारा मित्र है और जिसको कि नीड है पैसे की, यानी कि जिसको आप हेल्प करना चाह रहे हैं वो जेन्यून है, जब तक आप पूरी तरह से कंफर्म ना हो जाए तब तक किसी को 1 रुपए भी पैसे मत भेजें। और दोस्तों जब भी कभी आप व्हाट्सएप पे या किसी मैसेज के द्वारा किसी भी पैसे का लालच आपको मिलता है तो दोस्तों तुरंत आप सावधान हो जाइए, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। पैसे का दोस्तों जहां पर भी इन्वॉल्वमेंट हो, जैसे कि आजकल एटीएम के पिन के नाम पर कि आपका एटीएम कार्ड बंद हो गया है, एटीएम का पिन बता दीजिए, इस तरह से लोग पैसे उड़ा लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से किसी भी कॉल का जवाब कभी मत दीजिए। आप पैसे का ट्रांसफर जब भी करना हो कभी भी, तो आप अपने अनुसार उसको सबसे पहले कंफर्म कर लीजिए, या तो आप फेस टू फेस मिल लीजिए तभी आप कंफर्म करिए, नहीं तो पैसा कभी भी किसी को ट्रांसफर मत कीजिए। यही दोस्तों हमारी सलाह है आपको। तो दोस्तों आजकल लोग बहुत सारे ऐसी चीजों का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, कोई फोन करके आपका एटीएम नंबर मांगता है जो 16 डिजिट का, उसके बाद पिन मांगता है, ओटीपी मांगता है, तो कोई व्हाट्सएप के जरिए आपको इस तरह से ठगी करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों आप सावधान रहिए और सजग रहिए, जागरूक रहिए, इसी में दोस्तों आपकी भलाई है, नहीं तो आजकल इस साइबर के युग में दोस्तों पता भी नहीं चलता कि आपका पैसा कहाँ चला गया और आप लूटे हुए नजर आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बस इतना ही, दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपकी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी और
आप अब ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिससे कि आपको किसी भी तरह का नुकसान हो। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको लग रहा है कि दोस्तों ये फायदेमंद है आपको, तो आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिए, जिससे कि वे लोग भी सतर्क रहें, सजग रहें। दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों सब्सक्राइब कर लें कि दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की बढ़िया और जरूरी जानकारी हमेशा लाते रहते हैं, जिससे आपको बड़ा फायदा होता है। तो दोस्तों, बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।